अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है और काजी साहब जितने बुरी तरह से फंस चुके हैं शायद ही कोई जज अपने टेन्योर में इतना बुरी तरह से फंसा हो। अब अपने साथियों के सामने उन्होंने शर्मिंदगी उठानी है या ताकतवरों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करनी है, क्योंकि ताकतवरों का कोई इरादा नहीं है कि वो कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। किसी भी तरह से वीडियो लिंक का वो इंतज़ाम करें, क्योंकि ताकतवरों से लेकर हुकूमत तक सभी का धुआं निकला हुआ है कि वो इमरान खान को अवाम के सामने कैसे लेकर आएं। दूसरी तरफ काजी साहब हुक्म दे चुके हैं और सारे जजेस काजी साहब की तरफ देख रहे हैं कि काजी साहब अपने हुक्म पर अमल कैसे करवाते हैं। ऐसे में काजी साहब जो बढ़ के मारते हैं कि मेरे दौर में कभी मुदाखलत नहीं हुई, 76 साल के जिक्र में मेरे टेन्योर का जिक्र ना लेकर आए, मैं इतना तुर्रम खान, मैं फलां, तो अब पता लगेगा कि आपके फैसले पर कितना अमल होता है, क्योंकि ताकतवरों का कोई इरादा नहीं है। काजी साहब इस पर अमल करवा पाते हैं या फिर वो अपने साथी जजेस के सामने शर्मिंदा होते हैं। अब इस पर हम बात करते हैं कि इसको रोकने के लिए कौन कौन से इंतजाम हो रहे हैं। इससे पहले आज एक खुशखबरी आई जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में जज हैं मलिक एजाज आसिफ। आपको याद होगा कि वो मुख्तलिफ इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत कर रहे थे 9 मई के हवाले से, तो उन्होंने धड़ाधड़ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई को जमानतें देना शुरू की थी। उसके बाद उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया और कहा गया पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, पंजाब हुकूमत रेफरेंस लेकर आ गई है कि ये जज साहब मुकदमात की समाअत नहीं कर सकते। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत के किसी दबाव में नहीं आता। उन्होंने समाअत की और आज 500 से ज़्यादा 9 मई के मुलजमान उनके सामने पेश हुए, जिसमें जरताज गुल थी, एक लंबी लिस्ट थी पीटीआई की। तो उन्होंने 50 के करीब रहनुमाओं की जमानतें कन्फर्म कर दी हैं, यानी कुछ अरसे के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल उनकी जमानतें कन्फर्म कर दी हैं। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और घबराने की सबसे बड़ी बात है कि जजेस बिला खौफ काम कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं, करवाया नहीं जा रहा, खौफ तो डाला जा रहा है फिर भी वो काम कर रहे हैं। फिर जिस तरह कल बाबर सत्तार और मोहसिन अख्तर कियानी के केस में समाअत हुई, नोटिसेस जिस तरह से भेजे गए, फिर जस्टिस बाबर सत्तार का खत आया, उसके बाद अता तारड़ और आजम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अटॉर्नी जनरल ने जो वीडियो पैगाम दिया, पसीने छूटे हुए थे हर जगह। फिर इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में जजों की तैनातियाँ ना करने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर बरहम हुए कि बताया जाए कि वज़ीर आला पंजाब अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ क्यों पूरी नहीं कर रही। सारे वो लोग बतौर जज दिए हुए हैं जो कि इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे, डिक्टेशन नहीं लेंगे। सनम जावेद बाहर आ जाएंगी, आलिया हमजा बाहर आ जाएंगी, पीटीआई के लोग जो पाबंदे सलासल हैं वो बाहर आ जाएंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद बाहर आ जाएंगी। तो इसका डर ये है कि ये जमानतें दे देंगे, इसलिए ये हड़तालें हो रही हैं। एहसन भून एक्टिव है, आजम नज़ीर तारड़ एक्टिव है, धमकियाँ दी जा रही हैं मलिक शहजाद को जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं कि इनको बरतरफ किया जाएगा। कोई कहता है काजी साहब के साथ हमारी बात हो गई है। तो आज उन्होंने इनकी खूब धुलाई की और कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, क्यों आप जजेस को तैनात नहीं कर रहे, लोगों के हुकूक सलब हो रहे हैं। दूसरी तरफ इद्दत में निकाह वाले केस में आज सलमान अकरम राजा ने दलाइल दी और उन्होंने कहा कि ये जो मुफ्ती सईद का गलीज किरदार है, इसको मुफ्ती कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ाती है। फिर 15 दिन के लिए रिजवान अब्बासी, खबर मानिका के वकील बैरून मुल्क चले गए। जज शाहरुख अर्जुमंद भी हैरान परेशान के फैसला देना था, क्या करना था, पहले आते नहीं थे, कल एक दफ़ा मुंह दिखाया, उसके बाद जूनियर ने आकर बताया कि वो 15 दिन के लिए चले गए हैं बैरून मुल्क और जून में ही अब समाप्त होने का इम्कान है। फिर जज साहब ने कहा कि पूछकर बताएं रिजवान अब्बासी से कि क्या वो ई अदालत में पेश हो सकते हैं, यानी कोई वीडियो लिंक के जरिए वो अपने दलाइल दे सकते हैं। तो अब ये तमाशा लगा हुआ है। दूसरी तरफ साइफर केस और नैब के जो बुशरा बीबी और इमरान खान को कॉलअप नोटिसेज हैं उनकी समाअत होनी है। अब वो तमाम केसेस भी आज मनसूख कर दिए गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक आज किसी भी केस की समाअत नहीं कर रहे, उनकी काज लिस्ट मनसूख की गई है और बताया गया है कि जस्टिस आमिर फारूक आज चैम्बर वर्क करेंगे और कल जो उन्होंने इमरान खान की जमानत का फैसला महफूज किया था वो फैसला लिखेंगे, इसलिए वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। फिर आज 190 मिलियन पाउंड का अलकादे ट्रस्ट वाला केस समाप्त होना था, अडियाला जेल में जज नासिर जावेद राणा ने उसकी समाप्त करनी थी।
अब समात मुलतवी कर दी गई है क्योंकि अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने लिखा है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, हमने पूरी की पूरी जेल बंद कर दी है, बहुत सख्त सिक्योरिटी खदशात हैं। जज साहब आप भी अदालत ना आए, जेल के अंदर भी अदालत महफूज नहीं है, आज अदालत नहीं लगेगी। फिर आज और कल जो मुलाकातें होनी थी इमरान खान से वो नहीं हो सकी। फिर बहुत ही सख्त ट्वीट किया अलीमा खान ने, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की सिक्योरिटी अचानक तब्दील की गई है, इससे पहले भी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, जानलेवा हमले हो चुके हैं, तो हमें इमरान खान की इस वक्त ज़िंदगी ख़तरे में नज़र आ रही है क्योंकि मुलाकातें भी हमारी नहीं करवाई जा रही। रात को उनके गार्ड भी तब्दील किए गए और अब अदालत भी लगने नहीं दी गई, यानी इतनी सख्ती की जा रही है कि अदालत तक लगने नहीं दी गई, इतने सिक्योरिटी के खदशात हैं। मुख्तलिफ वकला पीटीआई के ये खदशात का इजहार कर चुके हैं कि ये जो इन्होंने 3 दिन का टाइम लिया है कि बहुत ख़तरा है, इस खतरे की आड़ में कहीं ये इमरान खान की जान के साथ ना खेल जाए। तो इस तरह के सवालात इमरान खान की बहनों और वकला की जानिब से उठाए जा रहे हैं। अब ज़रा अंदाज़ा करें ये क्यों सब कुछ किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर इसलिए कि कल काजी साहब को बताया जाए कि आप वीडियो लिंक की बात करते हैं, इधर तो हमने मुलाकातें बंद की हुई हैं, कोई इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकता, हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी का मसला है, यानी अगर जेल खतरे में है तो फिर इमरान खान की ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है, तो फिर इमरान खान को वहाँ से निकाल कर किसी और जगह या KPK क्यों नहीं ले जाते अगर आप खतरे में हैं। लिहाजा ये पूरा स्टेज सेट किया जा रहा है कल के लिए कि इमरान खान को पेश ना किया जा सके। फिर आज इंसदादे अंसार अब्बासी ने एक आर्टिकल लिखा लंबा चौड़ा 9 मई पर, जिसमें उन्होंने बताया बड़े सादा अल्फाज में कि ये जो 9 मई के हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है, इमरान खान को मास्टरमाइंड बना के पेश किया गया और कहा गया कि इतनी बिल्डिंग्स तबाह हुई, ऐसा किया वैसा किया, ये महज हवाई बातें हैं, शवाहिद और सबूत एक भी उनके साथ नहीं लगाया, आपने फसादात की बात की, ये कहा कि फलां साजिश थी, मगर उसके साथ एक भी सबूत आप नहीं दे सके कि ये हैं सबूत जिनसे पता चलता है कि इमरान खान वाकई मास्टरमाइंड हैं या मंसूबा साज हैं। तो अंसार अब्बासी ने आज इनकी कलई खोली है, फिर कंट्रोल करने के लिए पूरे सिस्टम को और पंजाब में ख़ास तौर पर मैडम चीफ मिनिस्टर की क्योंकि बेइज्जती होती है, तो अब पंजाब हुकूमत सोशल मीडिया के लिए नया कानून ला रही है हद्के इज्जत का, और उसके ज़रिए अब सोशल मीडिया को ट्रीट किया जाएगा। फिर आपको पता है कि जजेस खड़े हो गए हैं, जस्टिस बाबर सत्तार कियानी साहब और अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का भी एक सरप्राइज आया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 2 मार्च 2023 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद, क्योंकि ये 2 मार्च को उन्होंने फैसला दिया था कि इलेक्शन करवाए जाएं इस्लामाबाद में बलदयाती, मगर वो नहीं हुए थे, वोटर्स आए थे मगर वोट नहीं हुए थे, क्योंकि पता था कि इमरान खान ने पूरे इस्लामाबाद में जीत जाना है। अब जो इनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था, इस पर अब सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिपोर्ट तलब कर ली है। लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट तीर की तरह सीधी हो चुकी है, टक्कर दे के खड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट और GHQ को। फिर दुबई लीक्स, जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा था कि ये कुछ भी नहीं है, जरार खोड़ू ये सहाफ़ी हैं और डॉन न्यूट पर काम करते हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी के जब सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो उन्हें दुबई में अहलिया के नाम पर मौजूद प्रॉपर्टी इलेक्शन कमीशन में छुपाई, जो कि इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर करना ज़रूरी था लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, लिहाजा अब नकवी साहब नाअहल होंगे, फैसल वाडा भी नाअहल होंगे। एक शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है जहां दुनिया जहान के उस पर केसेस हैं, लेकिन किसी एक लीक्स में भी उसका नाम नहीं आया कि इतनी प्रॉपर्टी उसने बनाई, पनामा में आ गया हो या दुबई लीक्स में आ गया हो, जिसका दुनिया जहान की लीक्स में नाम है, दुनिया जहां के गंद और स्कैंडलों में उनके नाम है, वो कहते हैं कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो हुक्मरान बन गए हैं, यानी सारी दुनिया में जो चोरों की लिस्टें निकलती हैं, जो सरे फहरिस्त होते हैं, वो हुक्मरानी कर रहे हैं, जबकि जिसका किसी जगह नाम नहीं है वो अडियाला जेल में कैद बैठा हुआ है। फिर इसको अवाम के सामने इसलिए ना लाया जाए कि कहीं अवाम के सामने उसकी तस्वीर ना आ जाए, तो अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। लिहाजा सबसे ज्यादा इस वक्त जो फंसा हुआ है वो काजी फायजी सा है, क्या वो अपने फैसले पर अमल दरामद कर पाते हैं। वैसे तो हमने देखा फैजाबाद धरने पर उन्होंने जिस तरह का अमल करवाया और सिविलियन बालादस्ती का बोलबाला किया, जिस तरह फैज़ हमीद को जेल में डाल लिया, तो अब देखते हैं कि इस फैसले पर क्या वो अमल दरामद करवा पाते हैं या ये भी उनकी महज बढ़ गई हैं। तो देखते हैं आइंदा कल 24 घंटों के अंदर अंदर पता चल जाएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।